देसी फूड ब्लॉगर और आज वीडियो में आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ मैं नोएडा एक्सटेंशन की, जहाँ पर आप अपनी क्रेविंग्स को पूरा एंजॉय कर सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। इटालियन दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ पिज्जा दिखाऊंगा, बर्गर दिखाऊंगा, सैंडविच दिखाऊंगा, रैप दिखाऊंगा। तो मतलब खाना इतना सारा हो जाता है ना, तो कि कई बार में ध्यान नहीं रहता। तो बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। तो हमारे साथ है बर्गर मॉम के ओनर। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है सर आपका? पीयूष पल सर। ओके, कितना टाइम हो गया सर आपके इस आउटलेट को? ये अभी 5 months पहले मैंने स्टार्ट किया है, तो 10th August को इनोवेशन किया था। ओके, ऑलमोस्ट 5 months हो चुके हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 5 months। ओके, क्या क्या सर्व करते हैं यहाँ पर सर आप? यहाँ पे मेरे पास बर्गर है, रैप्स हैं, पास्ता है, पिज्जा है, शेक्स है, और केक वगैरह है, जैसे चोकोलावा केक, चोको ब्राउनी। Okay. जो हमारी स्पेशलिटी है, वैसे हमें वेजेस डिलाइट, हमारा बर्गर सबसे ज्यादा सेल आउट होता है, वो ज्यादा स्पेशलिटी है। एक बर्गर मॉम चिकन स्पेशल है हमारा। ओके, सर टाइमिंग्स क्या क्या रहती है आपके? टाइमिंग्स मेरी 11 टू नेक्स्ट डे 5 AM तक। नेक्स्ट डे 5 AM तक, मतलब रात को अगर किसी को क्रेविंग हो तो आपके यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, डिलीवरी के क्या क्या ऑप्शन है? डिलीवरी मेरे पास फ्री होम डिलीवरी है, वो 11 टू 11 है। 11 टू 11, हाँ। 11 के बाद जोमेटो स्विगी से कर सकते हैं। सर डिलीवरी ऑप्शंस क्या क्या है मतलब यहाँ पर? डिलीवरी ऑप्शंस आप जोमेटो से कर सकते हैं, स्विगी से कर सकते हैं, होम डिलीवरी आपको फ्री हो जाएगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लैंडलाइन नंबर मेंशन होगा आपकी वीडियो। लाइक आपकी अपनी डिलीवरी भी है? हाँ, हमारी। ओके ओके, ग्रेट। जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कितने एरिया में करते हैं सर आप डिलीवरी, जैसे आपकी पर्सनल डिलीवरी है तो? एरिया मेरा जैसे अभी हम लोग गौर सिटी 2 में है, तो गौर सिटी 1, 2 और क्रॉसिंग रिपब्लिक के लिए हम लोग करते हैं। ओके, अराउंड रेडियस 5 किलोमीटर अराउंड रहता है। ओके, एक बार लोकेशन समझा देंगे सर यहाँ? लोकेशन अगर कोई यहाँ पर गौर सिटी आ रहा है, तो गौर सिटी में आप एंट्रेंस पे गौर सिटी 2 में आएंगे, जहाँ अन्ना डोसा वाला भी है, उसके एंट्रेंस पे आके आप बिल्कुल आपको स्ट्रेट आना है, और राइट हैंड में ही आपको व्हाइट ऑर्चिड कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मिलेगी, जिसमें बर्गर मॉन्क हमारा बिल्कुल कॉर्नर वाली शॉप है, वहाँ पा सकते हैं। ओके ग्रेट, तो अब दिखाते हैं खाना क्या होने वाला है। बर्गर मॉन्क से लाए हैं हम, आउटलेट मैंने दिखा दिया, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। जो जो आइटम हम निकालेंगे वो मैं आपको दिखाता रहूंगा, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखें। चलिए अब लगाते हैं खाना। तो ये देख सकते हैं आप, ये आइटम्स हमारे पास आज आए हैं। ये है 2 पिज्जाज, इस पैकेट में है 2 बर्गर, इस पैकेट में है 1 सैंडविच और 1 रैप, और ये है हमारे पास स्ट्रॉबेरी शेक, जो एक क्यूट सी बोतल में हमें मिले हैं पहले से ट्राई करते हैं। तो पहले इन सब चीजों को मैं सेटल डाउन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीजें होने वाली है। तो करते हैं ये सेटल। तो ये देख सकते हैं कितने सारे आइटम हमने सेटल डाउन कर लिए हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लिप में बताई दिया कि क्या क्या आइटम है हमारे पास, तो यहाँ पर सारी चीजें लग चुकी हैं। ये हमारे पास पहले नॉनवेज पिज्जा, पहले फर्स्टली इससे ट्राई करते हैं। अमेजिंग लग रहा है देखने में, थिन क्रस्ट पिज्जा है, लिटरली थिन क्रस्ट पिज्जा है, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। पिज्जा मुझे, मैंने पर्सनली पहली बार खाया, बेसिक पिज्जा ही खाया मैंने, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फैंटास्टिक, चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, प्लस इनका एक कोई मसाला है इसमें, कोई सॉस, मतलब इनकी सॉस डिफरेंट है बेसिकली, तो बहुत ही अमेजिंग। मैंने बर्गर मॉम से पहली बार ही खा रहा हूँ, तो थिंकर्स पिज्जा अमेजिंग।
जिसका नाम है ना चिकन टिक्का, जिट्टो वही टेस्ट। चिकन एकदम सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया। ये पिज्जा तो मस्त रेकमेंडेड है, पहला ही फूड खाया अभी तो बहुत ही बढ़िया। सेकंड वन भी वेज पिज्जा, तो अब इसको ट्राई करते हैं। ये भी थिन क्रस्ट पिज्जा है, जो चीज का फ्लेवर आया था अल्टीमेट। ये प्लेस गौर सिटी वालों के लिए तो जन्नत है, जन्नत। वेजीज का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, शिमला मिर्च, येलो बेल पेपर, प्याज, टमाटर, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास ये सैंडविच, ये देख सकते हैं वेजीज से ओवरलोडेड, प्लस शायद चीज ब्लेंड है या फिर मेयोनीज है, प्लस चिकन के पीसेस भी दिख रहे हैं मेरे को। चिकन ट्राई करते हैं मेरे को, चिकन नहीं है, कोई पैटी है इसके अंदर। लाइट हेल्दी प्लस बहुत ही अमेजिंग। ग्रिलर ने सेका हुआ इन्होंने, तो बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पर है हमारे पास रैप, रैप को मैं खोल कर कैसे दिखाऊंगा आपको, ट्राई करता हूँ थोड़ा, नहीं खोल नहीं पाऊंगा मैं इस रैप को, ये देख सकते हैं बेटा। वाओ, ओह, कमाल कर दिया इसने। भाई सॉस का तो मानना पड़ेगा जी, बहुत ही अमेजिंग यार। वेजीज के साथ ऐसा पंच दे रही है ना, अल्टीमेट। भाई साहब मैं तो खाने वाले लिटरली ये हमारे पास मटन बर्गर है, देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप इन सब चीजों की मेकिंग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रेस्टोरेंट जाकर इसकी पूरी मेकिंग दिखाएंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे ट्राई करते हैं।
लेटेस, चीज, मेयोनीज काफी अच्छी है। जो सबसे बड़ी बात इनका फील्ड है, फील्ड तो बहुत अच्छा है बट उतना फील्ड है कि सारी चीजें एक जगह सेटल डाउन है। ऐसा नहीं है कोई चीज यहाँ से निकल गई, टमाटर यहाँ से निकल के भाग रहा है, प्याज वहां से निकल के भाग रही है, तो वो चीज नहीं है। दिस वन इज नाइस। साथ में स्ट्रॉबेरी शेक भी नाइस। स्ट्रॉबेरी का काफी फ्लेवर, फ्रेश फ्लेवर है काफी। ये हमारे पास इनका वेज बर्गर, ये देख सकते हैं आप। इसमें मुझे हैलापीनोस दिख रहे हैं, वो अनियन है, मस्टर्ड, तंदूरी सॉस है, तंदूरी मेयोनीज और पैटी है, लेटस है, काफी फील्ड बर्गर है, काफी मोटा बर्गर है। अगर आपने ऐसे रेटिंग पूछे बर्गर में, रेटिंग क्या बर्गर में मुझे जो ज़्यादा पसंद आया पर्सनली, वो मुझे बर्गर आया, वेज बर्गर, क्योंकि मुझे पर्सनली बटर थोड़ा कम पसंद है, तो वेजीज की जो फ्रेशनेस आ रही है बहुत ही अमेजिंग। प्लस अगर आप एक मटन के शौकीन हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगा, बट मेरे सामने दोनों रखे जाए तो मैं वेज प्रीफर करूँगा। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स, सॉसेज बहुत अमेजिंग है, रैप जैसे मैंने खाया तो एक टेस्ट का ऐसा ब्लास्ट हुआ है वेजीज के साथ, ऐसी मिक्स हुई हो, बहुत ही अमेजिंग। प्लस पिज्ज़ा, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, वेज के लिए ये हेवन है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये हेवन है, तो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज आने वाले हैं। और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो आप कहाँ की देखना चाहते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।